बाबा बाबा मेहमान आ रहे हैं। घोड़ों की टाप से मालूम होता है चाकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम सरदार, वशात है। बैठे सरदार। बाबा आप गंदावा नहीं गए? नहीं सरदार, अभी तो नहीं गए, बाकी तो सारे लोग जा चुके हैं। रेहान मैं अपने सरदार के साथ जाऊंगा। गोराम तो चला गया हमें छोड़कर। हाँ सरदार, गौरव खान और गौर बीबी के चले जाने के बाद बड़ी वीरानी सी हो गई है यहाँ। मुझे मालूम हुआ था बाबा कि तुम मुझे मिलने आए थे, लेकिन मुझ तक रसाई ना हुई, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आ गया हूँ। सरदार कहाँ आप कहाँ मैं तो सोच भी नहीं सकता था आप यहाँ आएंगे। सरदार बड़ी चाह से बना है आपके लिए। खूबसूरत है। अच्छा बाबा अब हम चलते हैं, और हाँ आइंदा मैं मिलने तुमसे खुद आया करूंगा। तुम्हारी कदर जितनी मेरे दिल में है उसका सबूत आने वाला वक्त ही देगा। सरदार दूध पीते जाए। इस तहजीब और इन कदरों का तुम्हारे पास क्या जवाब है जिनकी पासदारी हिफाजत और एहतराम बनू इस्माइल से लेके मीर जलालान तक होता रहा है। रिवायात और कदरें हालात के हिसाब से बदलती रहती हैं बाबा, वक्त माहौल और हालात इनमें तराश खराश पैदा करते रहते हैं। आपकी मौजूदगी में मेरी मौजूदगी में तुमने सरदारी का ऐलान कर दिया, हालांकि तुम्हें इसका कोई इख्तियार न था। इस रिवायत की इब्तदा भी चाकर ने की है। 40,000 अफराद की कुव्वत को चाकर के घमंड ने नजरअंदाज किया है। अफसोस तुमने नफाक की जो लकीर खींची है उसे मिटाना आसान नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, ये लकीर भी चाकर ने खींची है। इस तफरीक का खमियाजा हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा, और मीर चाकर खान उसने तो तुम्हारे खिलाफ बोलने वाली जबान को भरे दीवान में कटवा दिया था। वो भी मेरी जबान बंदी के लिए। बाबा अब मैं ताकत की जबान में बात करना चाहता हूं। गोराम उसने पैगाम भेजा है कि अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी सरदारी कबूल कर लेगा। अगर उसने ऐसा किया भी है ना बाबा,
تو دل سے نہیں دماغ سے. تم سے تو اتنی بھی مصلحت نہیں ہو سکی. دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہو اور ایک نئی دشمنی کا آغاز بھی کر دیا ہے. میں نے نئی جد و جہد کا آغاز کیا ہے بابا. مجھے معلوم ہے دشمن مورچہ بند ہے اور مجھے اس پر حملہ کرنا ہے. حملہ کرنے کے لیے اگر میں دو قدم آگے بڑھ سکتا ہوں تو جنگی حکمت عملی کے تحت چار قدم پیچھے بھی ہٹ سکتا ہوں. فتح و شکست تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں, مگر شکست کے خوف سے پیچھے ہٹ جانا اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹنے کے برابر ہے بابا. سردار, اطلاع ملی ہے کہ آنکھ میں گنداوا صبح حملہ کر دے گا. آنکھ میں گنداوا؟ ہاں, وہ مورچہ بند ہے. اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ہمارا حملہ پسپا کر دے اور طرف نکل جائے. لیکن چونگل, چونگل, ہم جس حکمت عملی پر چل چکے ہیں, جو ہم نے سوچا ہے, بس اسی پر قائم رہنا, بس جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. ہاں, گورام بیٹا, اب بھی وقت ہے. سوچ لو, پھر سوچ لو. وقت سوچ کے مرحلوں سے بہت آگے نکل چکا ہے بابا. اب تو موت یا گنداوا. ¶¶